लो ये आ गया स्पार्क का 406 SM 406। देखा जाए इसके अंदर में क्या है। बोझ बहुत से डैमेज है, डैमेज बोले तो लुलुपुर हो गया है। इसका प्राइस है 1399, 1399। बारकोड भी बगैर देख लीजिए, ये 8/2024 का मैन्युफैक्चरिंग मंथ का है, नहीं 6/6/6 2024 मैन्युफैक्चरिंग। दो नंबर पेयर है, सेकंड दो नंबर पेयर 9 नंबर। ये मुझे 550 रुपये आसपास मिल गया प्राइस में। और देखा जाए इसका बॉक्स के अंदर में कंडीशन कैसा है इसका, तो स्विच देखा जाए तो स्विच तो लगता है रिटर्न किया हुआ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदा है फिर उसको वापस किया हुआ है। बॉक्स में इसके नीचे में एक ये झोला रखा रहता है, बैग रखा रहता है, तो बैग इसके अंदर नहीं है, मतलब ये इस्तेमाल किया हुआ शू है जो मुझे इसीलिए कम दाम में मिल गया। नहीं बाकी कंडीशन ओके है और ठीक है, रिटर्न किया हुआ है, कोई आदमी मंगाया था इसको कुछ बाद में उसे रिटर्न किया हुआ, बाकी ओके सब है, सब फर्स्ट क्लास है। नाइन नंबर पेयर है और इसका कुशन है, इसमें गम लगा हुआ था लेकिन गम इसका उठ गया है, इसके वजह से निकल गया, इसमें गम लगा है। तो इसका मेमोरी फोम बहुत अच्छा है, इसमें पूरे फुल मेमोरी फोम दिया हुआ है, मेमोरी SM 400 नहीं नंबर। और सोच तो काफ़ी अच्छे हैं, ये सोच मैं अपने फादर के लिए मंगाया था जो मुझे बहुत कम दाम में मिल गया, लेकिन ये किसी ने इसको रिटर्न किया था, लेकिन मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया है। तो देखते हैं पहन के कैसा ये शू कैसा है। और इस बैग इस पैकेट के अंदर में एक बैग रहता है जो बैग यहाँ से मिसिंग है, मैं कंपनी में कंप्लेन करूँगा बैग कहाँ गया, क्योंकि बैग का दाम ही कम से कम 200 रुपया है, तो बैग मुझे वापस चाहिए। और देखा जाए पहन के कैसा है ये, ये बहुत कंफर्टेबल है और लेकिन मेरे पैरों में नहीं आ रहा पूरी तरह से, क्योंकि मेरा 10 नंबर आता है, ये 9 नंबर का है, और ये पहनने में बहुत सॉफ्ट अंदर में, इसमें मेमोरी फोम बहुत अच्छा है, पहनने में कुशनिंग बहुत अच्छा लग रहा है, कुशनिंग इसका बहुत अच्छा है, और बाकी सब कुछ ठीक है, पूरा टाइट है मेरे लिए क्योंकि मेरा 9 नंबर लगता है।